स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन और सिलोजिज्म पे एक सेपरेटली प्रैक्टिस सेशन भी आई विल अपलोड टूमारो अफ्टर क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट इज फॉलोड बाई कंक्लूजन कंक्लूजन टू एंड टेक द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ इट सीम्स टू बी एट वेरियंस फ्राम द कॉमनली नोन फैक्ट्सूज एंड ऑफ द गिलूजन लॉजिकली फॉलो एक स्टेटमेंट गिवेन है उस स्टेटमेंट के बेसिस पे विल बी मेकिंग अ डायग्राम एंड देन हम कंक्लूजन को चेक करें ये कौन सा कंक्लूजन हमारा फिट बैठता है ठीक है स्टेटमेंट इज संग सम रेडियोज आर मोबाइल्स ओके सम रेडियोज आर मोबाइल्स तो saying, okay? so, अगर हमें रेडियो का सेट बनाया और मोबाइल्स का सेट बनाया तो सम रेडियोज आर डेफिनेटली मोबाइल्स ये तो पक्की बात है कि कुछ रेडियो ज़रूर मोबाइल है दिस सेट इज ऑफ रेडियो एंड दिस इज ऑफ मोबाइल तो ये पोर्शन तो कन्फर्म है कुछ रेडियो जरूर मोबाइल है हो सकता है सारे ही रेडियो मोबाइल हो ये भी पॉसिबल है ठीक है तो जब भी कभी हो कि सम रेडियोज और मोबाइल इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ कुछ होंगे सारे भी हो सकते हैं बट ये पक्की बात है कुछ तो जरूर होंगे ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी रेडियो मोबाइल नहीं हो ठीक है तो सम रेडियोज और मोबाइल्स का मतलब वो सम रेडियोज आर डेफिनेटली मोबाइल्स बट सारे भी हो सकते हैं ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स सारे के सारे मोबाइल कंप्यूटर्स हैं यानी कि मोबाइल्स कंप्यूटर का सबसेट होंगे तो एक बड़ा सा सेट बना दिया हमने कंप्यूटर का और उसके अंदर मोबाइल का सेट आ गया सम कंप्यूटर्स आर वॉचेज अब हमको नहीं पता कि जो कंप्यूटर्स वॉचेज हैं उनमें से कुछ मोबाइल भी हो सकते हैं बट जब भी कभी ऐसा स्टेटमेंट गिवन हो तो हमेशा जो एक अलग सेपरेट सेट बनाओगे यानी कि वॉचेज का जो सेट है वो अलग कहीं बनाओगे ठीक है कॉमन नहीं बनाना है तो ये कॉमन बनाने से कंक्लूजन तुम्हारा गलत आ जाएगा बट ये दिमाग में रखना है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ वॉचेज तुम्हारी मोबाइल हो या कुछ वॉचेज रेडियो सब पॉसिबल है बट सेट सेपरेट बनाना है तो वॉचेज हमारे सम कंप्यूटर्स वॉचेज कुछ तो कंप्यूटर डेफिनेटली वॉचेज है सारे कंप्यूटर भी वॉचेज हो सकते हैं ठीक है बट सम वाला पार्ट तो कन्फर्म है कंक्लूजन नंबर वन सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेज सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस तो रेडियो और वॉच में कोई कनेक्शन दिख तो नहीं रहा है हो सकता है पॉसिबल है ठीक है तो ये सम रेडियोज आर वॉचेस पॉसिबल तो है बिकॉज ऐसा भी निका है कि नो रेडियोज वॉचेज तो पॉसिबल है बट सर्टेन डेफिनेटली नहीं है

रेडियोज मे बी वॉचेस और कंक्लूजन नंबर फोर होता मोबाइल्स मे बी वॉचेस तो ये दोनों हमारे कर, करेक्ट हो जाते हैं क्यों करेक्ट होता है बिकॉज मे बी लिखा है मे बी यानी कि पॉसिबल है और पॉसिबल तो है तब तक पॉसिबल है जब तक स्टेटमेंट में यह नहीं मैंशन होता कि नो रेडियोज आर वॉचेस अगर ये लिखा होता है स्टेटमेंट में नो रेडियोज आर वॉचेज तब हम क्या करते हैं तो वो चीज भी देख लेते हैं क्योंकि साथ में वेरिएशन सारे समझते चलेंगे तो तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी लेट अस से स्टेटमेंट में ही लिखा होता कि नो रेडियोज आर वॉचेस उस केस में हम इसको रिप्रेजेंट करते रेडियो और वॉच को कनेक्ट करते और यहां पे बीच में क्रॉस लगाते रेडियो और वॉच आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते किसी भी तरह से कोई भी रेडियो वॉच नहीं हो सकता कोई भी वॉच रेडियो नहीं हो सकता ठीक है ये, लेकिन ये सिर्फ तब करते जबकि ये स्टेटमेंट में मैंशन होता क्योंकि है नहीं ठीक है कि है नहीं फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन सोलॉज स्टेटमेंट कह रहा है some cats are almiraz, so cats और और बनाया। And some cats are almiraz, कि cat almiraz में कुछ तो जरूर कॉमन है सम अलमिराज आर अलमिरा और चेयर में भी कुछ तो जरूर कॉमन है कुछ पोर्शन डेफिनेटली कॉमन है एंड देन ऑल चेयर्स आर टेबल्स सारी की सारी चेयर्स टेबल यानी कि चेयर का पूरा का सेट, टेबल के सेट के सेट अंदर आ जाएगा। तो है।, तो है हमारी ये वाली अलमिराज तो डेफिनेटली टेबल भी होंगी है नहीं दो अलमिराज चेयर्स वो तो टेबल भी होंगी तो डेफिनेटली सर्टेन है पक्की बात है कि सम अलमिराजा टेबल्स क्यों होंगी बिकॉज कुछ अलमिराज हमारी चेयर्स है जो चेयर्स हैं वो तो टेबल भी हैं यानी कि पहला कंक्लूजन तो करेक्ट है हमारा सेकेंड सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स तो कैट्स और चेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है तो सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स हो सकता है सारी कैट्स चेयर्स हो जाए हो सकता है सारी कैट्स ना चेयर हो।, हो सकता है कुछ कैट्स चेयर हो जाए हो सकता है कुछ कैट्स ना चेयर हो तो सब कुछ पॉसिबिलिटी है यहाँ पे है मे नॉट बी तो सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स ये भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही लिखा है तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है बोथ

कॉन्सोनेंट्स का जो अपनी ओरिजिनल शेप जैसे नहीं दिखते हैं जो अपने ओरिजिनल शेप जैसे नहीं दिखते हैं। और सिर्फ सिर्फ कॉन्सोनेंट के लिए कहा गया है यानी कि हमें वॉवल्स की बात नहीं करनी है ए ई आई ओ यू को पहले ही रिमूव कर देना है तो बचे कितने कॉन्सोनेट्स ट्वेंटी वन कॉन्सोनें बचे इनमें से किन में हमारा जो मेरा इमेज है वो ओरिजिनल शेप जैसा नहीं दिखता है ये चेक कर रहे हैं ओके मैं सारे के सारे तुम्हारे लिए बना देता हूँ उसके बाद में तुम्हें क्लियर हो जाएगा तुम्हें खुद से आगे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पैटर्न भी देख लेंगे हम सारे बना लेते हैं बी तो का मिरर इमेज बनाओगे तो कैसा बनेगा ऐसा बनेगा ठीक है सी के लिए डी के लिए और ई e क्योंकि वोवेल है तो ई e का नहीं बनाएंगे एफ जी के लिए एक सेकेंड उल्टा बन गया एच का मिरर इमेज अच्छा जैसा ही बनेगा यानी कि ये हमारा एक आ रहा है जो कि आंसर में इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज आंसर में हमें सिर्फ वही चाहिए जो कि अपने ओरिजिनल शेप जैसा नहीं दिखते हैं यानी कि B, C, D एफ जी है तो दिख रहे हैं ये नहीं दिख रहे हैं ये आंसर का पार्ट होंगे एच नहीं होगा आई वॉवेल है ये का उल्टा ऐसा बनेगा हाँ फिर गड़बड़ कर दिया ऐसा एल एम एम का उल्टा एग्जैक्टली सेम बनेगा यानी एम भी आंसर का पार्ट नहीं होगा एन में कंफ्यूज हो सकते हो बट एन में ध्यान रखना है एन का उल्टा ऐसा बनेगा तो ये आंसर का पार्ट होगा हमारे ठीक है ये आंसर का पार्ट होगा ओ अगेन वॉवेल है ईर e, टी भी सेम बनेगा यू वॉवल है B भी, भी सेम बनेगा डब्ल्यू भी सेम बनेगा एक्स भी सेम बनेगा और कुछ लोग शायद वाई में कन्फ्यूज हो सकते हो बट वाई जब हम बनाते हैं स्टैंडर्ड एक एक्स एक एक तो सही बना कुछ लोग वाई ऐसे बनाते होंगे और कुछ लोग वाई ऐसे बनाते होंगे बट प्रॉपर वाई ये वाला है और इसका मिरर इमेज भी ऐसा ही बनेगा एक्जैक्टली तो वाई भी आंसर में काउंट नहीं होगा जेड का मिरर इमेज उल्टा बनेगा ठीक है तो Z काउंट होगा आंसर में तो कितने काउंट नहीं होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो ट्वेंटी वन माइनस सेवन यानी कि फोर्टीन ऐसे होंगे जिनका मेरा इमेज उनके ओरिजिनल शेप जैसा नहीं दिखाएगा ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा और पैटर्न देख पा रहे हो कि एच एम टी बी डब्ल्यू एक्स एंड वाई तो इनका मेरा इमेज इनके जैसा नहीं है बाकी इनका मेरा इनके जैसा है

साउथ ईस्ट एंड वेस्ट और हमेशा इधर रखना है जब भी हमें राइट वर्ड टर्न लेना होगा जब भी राइट वर्ड टर्न लोगे कभी भी तो राइट वर्ड टर्न हमेशा क्लॉकवाइज होगा जैसे घड़ी घूमती है वैसे ही राइट वर्ड टर्न होगा और जब भी कभी लेफ्ट टर्न लोगे तो वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में होगा ठीक है तो सबसे पहले इंप्लॉयड टेन किलोमीटर साउथ जाता है फ्रॉम अर हाउस फिर दिस इज द हाउस उस से टेन किलोमीटर साउथ जाएगा देन शी टर्न्स लेफ्ट लेफ्ट यानी कि काउंटर क्लॉक वाइज क्लॉक की उल्टी डायरेक्शन में ठीक है और अगर ऐसे जाएगा तो तो क्लॉक की डायरेक्शन में हो गया तो उल्टी डायरेक्शन में जाना है कितना जाना है ट्वेंटी किलोमीटर्स ट्वेंटी किलोमीटर्स देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स फोर्टी किलोमीटर्स तो लेफ्ट जाके फिर फोर्टी किलोमीटर्स ट्रेवल करना है दिस विल बी लेफ्ट डायरेक्शन कोशिश करो जितना स्केल में बना सको उतना बेटर बैट, है ठीक है तो टेन ट्वेंटी फोर्टी नेक्स्ट अब अगर फोर्टी को ऑब्जर्व करो तो अगर फोर्टी गया है नॉर्थ वर्ड्स नॉर्थ की डायरेक्शन में या लेफ्ट टर्न करके तो दिस इज दिस इज थर्टी कि नहीं फिर अगेन शी टर्स राइट और राइट्स फॉर फाइव किलोमीटर्स तो यहां से राइट टर्न लिया और फाइव किलोमीटर ट्रेवल किया एंड देन शी अगेन टर्न राइट और फिर ट्रैवल किया कितना थर्टी किलोमीटर्स अब क्योंकि हमें पता है कि तो इतना ही बनाओ इसको और फाइनली रीच इज द बैंक क्वेश्चन पूछा द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस तो तो ये डिस्टेंस आ आ जाएगा जाएगा हमारा। ऑप्शन बी क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रन ट्वेल्व किलोमीटर्स टूवर्ड्स हर नॉर्थ सिक्स किलोमीटर्स टूवर्ड्स हर साउथ

ट किलोमीटर इन दस्ट डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग इज द स्टार्टिंग डायरेक्शन और ये डायरेक्शन क्या होगा हमारा हेरो पॉइंट कर, कर रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है तो फिर यह ठीक है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है या फिर ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है

ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है नॉर्थ ऑफ ईस्ट है यानी कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं ओके एंड दिस दिस इज इज बेस हमारा ज्यादा बड़ा है बेस ज्यादा बड़ा है और एल्टीट्यूड छोटा है एल्टीट्यूड इज स्मॉलर देन बेस तो हमारा जो एंगल होगा दैट विल बी लेस देन फोर्टी फाइव डिग्रीज जब हमारा राइट right एंगल में एंगल फोर्टी फाइव डिग्रीज होता है इफ द एंगल इज फोर्टी फाइव डिग्री तो बेस और एल्टीट्यूड दोनों ही सेम होते हैं और हमेशा जो छोटा एंगल होगा उसके सामने वाला साइड छोटा होगा छोटे एंगल के सामने वाला साइड छोटा होगा और ये ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है दिस दिस इज इज तो ये जो एंगल है हमारा दो एंगल है ठीक है लेटर से दिस इज अल्फा दिस इज बीटा ठीक है अल्फा प्लस बीटा कितना होगा क्योंकि तो एक एंगल नाइनटी है अल्फा प्लस बीटा भी नाइनटी डिग्री होगा और अल्फा के सामने वाला साइड सिक्स है बीटा के सामने वाला साइड एट है यानी कि डेफिनेटली अल्फा एंगल बीटा से छोटा होगा अगर दोनों बराबर होते हैं तो 45 डिग्री होता बट अल्फा छोटा है, यानी कि होगा और इस एंगल, को करते। और ये एंगल हमारा फोर्टी फाइव से बड़ा आएगा क्योंकि दोनों का सम नाइनटी डिग्रीज तो यही हमारा आंसर ऑप्शन अगर गिवन होता एन एंगल मोर देन फोर्टी फाइव डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी और ये दोनों सेम है दोनों सेम है एंगल लेस ऑप्शन तो में आए तो कंफ्यूज नहीं होना है समझ जाना है ओके अगला क्वेश्चन करते हैं सेवन बुक्स पी क्यू आर एस टी यू प्लेस्ड साइड बाई साइड सेवन बुक्स हैं जिनको साइड बाई साइड प्लेस किया है आर क्यू एंड टी है R,

तो आर क्यू टू के अलावा किस भी ऑप्शन में होगा वो तो आंसर नहीं होगा आपको पहली बात तो यह समझ में आनी चाहिए नेक्स्ट चीज है हमें ओल्ड वाले चाहिए और कौन से न्यू है एस एंड यू न्यू बुक्स है एस और यू न्यू बुक्स है तीनों ही ओल्ड है ठीक है नेक्स्ट पी आर एंड एस लॉ रिपोर्ट है अगर पी आर ओ एस लॉ रिपोर्ट है तो आर तो हमारा गैजेटियर नहीं होगा यानी कि क्यू आर टी गैजेटर होंगे बिकॉज तो बाकी गैजेटियर है यानी कि विल बी द आंसर ऑप्शन सी इजी क्वेश्चन ओके ठीक है नेक्स्ट रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस सीक्वेंस में हमें टर्म्स दिए हैं थ्री टू सेवन फोर थर्टीन टेन ट्वेंटी थर्टी वन ट्वेंटी एट फोर्टी थ्री एंड फोर्टी और कंडीशन ये भी कह रहा है वेयर ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न यानी कि ऑड टर्म्स एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं इवन टर्म्स भी वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं बट दोनों का सीरीज डिफरेंट होगा ठीक है ऑड टर्म्स और इवेंट टर्म दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं बट दोनों का सीरीज डिफरेंट होगा तो हम ऑड टर्म्स को अलग अलग लिखते हैं और इवेंट टर्म्स को सेपरेटली कौन से होंगे पहला सीरीज बन रहा है थ्री सेवन थर्टीन ट्वेंटी वन थर्टी वन फोर्टी थ्री और इवन टर्म्स का सीरीज बन रहा है टू फोर टेन एटीन ट्वेंटी एट

ऐड करना है सही क्या होगा फोर ऐड करना है टू की जगह हम जीरो लिख दें और नेक्स्ट टर्म फोर हो जाए तो फिर प्रॉब्लम सही है, हमारा सॉल्व हो जाएगा यानी एक्चुअल में टू इनकरेक्ट है और जीरो करेक्ट है तो हमें जीरो लिखना पड़ेगा टू की जगह पे यानी कि रिप्लेस करेंगे किससे टू को रिप्लेस करेंगे जीरो से और क्वेश्चन ने ये पूछा है रिप्लेस करना टर्म को करेक्ट टर्म से करेक्ट तो टर्म हमारा होगा जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन

दिस कुड़ बी द पैटर्न चेक करते हैं सेकंड रो को सेकंड रो में भी अपना सी बी ए आ रहा है ए बी सी तो सेकंड रो में भी आ रहा है और नाइन माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्स यानी यानी यहाँ भी रिजल्ट सेम आ रहा है कि थर्ड रो में भी यही फॉलो करेगा थर्टीन माइनस टेन रिजल्ट आएगा थ्री और ए और सी आ चुका है तो यहां पर आएगा बी सी बी विल विद आंसर ऑप्शन सी बी आंसर हो जाएगा क्लियर है नेक्स्ट यू आर गिवन टू आइडेंटिकल सीक्वेंसेस इन टू रोज व्हाट इज द एंट्री इन द प्लेस ऑफ सी फॉर द सीक्वेंस नंबर टू सी के प्लेस में क्या एंट्री होना चाहिए एट से हम फोर पे गए फर्स्ट सीक्वेंस में फोर से सिक्स सिक्स से फिफ्टी फिफ्टीन से फिफ्टी टू पॉइंट फाइव फिफ्टी टू पॉइंट फाइव से टू तो so जब एट से हम फोर पे जा रहे हैं एट फोर सिक्स फिफ्टीन टू पॉइंट एंड 236.25 क्लियरली हमारे जो बात के नंबर्स तुम देख रहे हो वहां पे हमारा फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद भी नंबर आने लगा है यानी कि कहीं कही ना कहीं पे हम शायद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या फिर डिवीजन कर रहे हैं या तो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या फिर डिवीजन कर रहे हैं ठीक है ठीके? और अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या वन बाई से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैसा ही है जैसे कि हम टू से डिवाइड कर रहे हैं दोनों एक ही बातें ठीक है एट से फोर पर जा रहे हैं तो एक्चुअल में क्या हो रहा है हम हाफ से वन बाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फोर से सिक्स में गए तो क्या कर रहे हैं सिक्स बाई फोर मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिक्स बाई फोर बाई टू से मल्टीप्लाई किया फिर मल्टीप्लाई किया थ्री बाई टू से। से फिफ्टीन पे जा रहे हैं तो है, जो बेसिकली फाइव बाई टू हो जा रहा है हमारा। तो यहां से पैटर्न समझ में आ रहा है कि बेसिकली पहले हमने वन बाई टू से मल्टीप्लाई किया फिर थ्री बाई टू से फिर फाइव बाई टू से यानी कि अगला शायद सेवन बाई टू होगा शायद सेवन बाई टू होगा फिफ्टीन इंटू सेवन बाई टू कितना आ जाएगा फिफ्टी इंटू सेवन वन जीरो और इसके बाद हमने नाइन बाई टू से मल्टीप्लाई किया होगा पैटर्न क्लियर हो गया यही सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है सीक्वेंस टू में भी देखिए फाइव से हम जा रहे हैं ए में ए से बी में बी से सी में फाइव से ए में जाएंगे वन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे ए से बी में जाएंगे थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे और बी से सी में जाएंगे तो फिर हम फाइव बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी को निकालने की क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में सीधे हमें सी निकालना है तो सीधे फाइव में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या वन बाई टू इंटू थ्री बाई टू इंटू फाइव बाई टू सी तो की वैल्यू आ जाएगी सो दिस विल बी फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई एट सेवेंटी फाइव बाई एट आ गया एट से कितने so, और बचेगा थ्री बाई एट नाइन एन थ्री बाई एट सो दिस भी नाइन पॉइंट थ्री सेवन फाइव ऑप्शन सी क्लियर ठीक है नाइन पॉइंट थ्री सेवन फाइव विल बी द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन

बॉटम से कौन टॉप करेगा सबसे नीचे वाला वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो टॉप तो और बॉटम की रैंक को अगर तुम ऐड करोगे तो रैंक का एडिशन हमेशा सेवन आएगा सबके लिए सेवन आएगा क्या ये बात समझ पा रहे हो बिकॉज सिक्स स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे ठीक है जब तुम टॉप से रैंक करते हो किसी की तो जब उसकी रैंक करते हो टॉप तो से तो उसको इंक्लूड करते हो जब बॉटम से रैंक करते हो तभी इंक्लूड करते हो तो वो पर्सन दो बार इंक्लूड हो जाता है दैट इज वाई हमारा जो समेशन आएगा टॉप और बॉटम की रैंक का वो हमेशा एन प्लस वन आएगा अगर एन स्टूडेंट्स हैं समेशन टॉप और बॉटम की रैंक्स का हमेशा एन प्लस वन आएगा ठीक है टॉप प्लस बॉटम की रैंक्स का ये हमेशा ध्यान रखना है ओके okay? अब क्वेश्चन पे चलते हैं तो प्रिया इज स्टेटमेंट वन हमें चाहिए क्या हमको सीमा की रैंक चाहिए फ्रॉम द टॉप टॉप से सीमा की रैंक चाहिए इन ए क्लास ऑफ फोर्टी स्टूडेंट्स यानी कि टॉप प्लस बॉटम की रैंक का समेशन कितना आएगा फोर्टी वन आएगा अगर इसकी जरूरत पड़ी तो यह पता होना चाहिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्रिया इज फोर रैंक्स बिलो सीमा एंड इज थर्टी फर्स्ट फ्रॉम द बॉटम प्रिया की रैंक क्या है बॉटम से है थर्टी फर्स्ट टॉप से कितनी होगी टेन होगी प्रिया की रैंक टॉप से टेन होगी ठीक है और प्रिया की रैंक अगर टेन है टॉप से क्वेश्चन पूछ रहा है किसकी रैंक सीमा की रैंक और सीमा की रैंक से प्रिया की रैंक फोर रैंक बिलो है फोर रैंक बिलो है तो अगर टॉप से टेंथ रैंक है प्रिया की तो सीमा की रैंक हो जाएगी टेन माइनस फोर यानी कि सिक्स रैंक हो जाएगी सीमा की क्या बात क्लियर है यानी कि पहला स्टेटमेंट अकेले ही सफिशियंट है अकेले सफिशियंट है

प्रिया की रैंक गिवन है और प्रिया की रैंक का सीमा की रैंक से कनेक्शन भी गिवन है तो सीमा की रैंक निकल आएगी तो पहला स्टेटमेंट सफिशियंट है सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट में भी ईना की रैंक गिवन है बॉटम से टॉप से रैंक निकल आएगी और ईना की रैंक का सीमा की रैंक से कनेक्शन भी गिवन है तो वहां से सीमा की रैंक भी हमें निकल आएगी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट अलोन भी सफिशियंट है रैंक क्या आती है सीमा की वो इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट ये है कौन सा स्टेटमेंट सफिशियंट है दैट इज वाई सॉल्व करना जरूरी नहीं है सिर्फ इतना देखना है कौन सा स्टेटमेंट सफिशियंट है और वो इतने से भी पता चल रहा है अगर हम कुछ भी सॉल्व ना करें तब भी क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो ठीक तो है बिना सॉल्व किए भी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं क्लियर है और बिना सॉल्व किए ही अटैप्ट करेंगे क्योंकि जब कभी मुश्किल सवाल होंगे डेटा सफिशियं के हो सकता है सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जिसकी बिल्कुल भी एग्जाम में जरूरत नहीं होगी क्लियर है ठीक है तो दीज आर ऑल द ऑलेश्चन इन फर्स्ट सेशन ऑन लॉजिकल रीजनिंग सीस एट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए कुछ क्वेश्चन अभी और रह गए नाइन टू टेन क्वेश्चन और रह गए तो उनको हम सेकंड सेशन में डिस्कस करेंगे आई बिलीव सेशन पसंद आओगे सारी बातें समझ में आएंगे कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर मेंशन करना अगर सेशन पसंद आए उसको लाइक जरूर करना है अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना अपने सारे के सारे डाउट्स हमेशा बेचक जरूर पूछना दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन बाय टेक केयर